मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में, जो कि आपको यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक वन है, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी कि जब वो ट्वेल्थ में थी ना, ठीक है, तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी वो करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो उनके घर में यहाँ पर ये रहता है कि चलो अगर एक सरकारी नौकरी लग गई तो कई सारे पुश्तों को बड़ा आराम सा मिल जाएगा, पैसे वैसे हो जाएंगे, थोड़ा नाम हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर इनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी, इनका अपना माइंडसेट था कि मुझे यूपीएससी करना है। अब इनको अगर यूपीएससी करना है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट बड़ा फिक्स हो जाता है ना, अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर लेते हो, अगर आपने एम बना लिया कि करना क्या है, तो उस केस में आपके आसपास चीज़ें वैसे ही घटना शुरू होने लगती हैं उसी के आधार पर।